गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हरिश्चंद क्लासेस में। आज मैं आपके लिए चुनाव संबंधी प्रश्न कराने जा रहा हूं, और वो भी रेलवे एनटीपीसी 2019 के लिए, क्योंकि 2016 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी वाला, उसमें चुनाव संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा, और तीन क्वेश्चन पूरे टोटल कराने जा रहा हूं। लेकिन स्टार्ट कराने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ठीक है, और शेयर भी करें, जिससे कि जो आपके साथी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं उन तक ये क्वेश्चन आसानी से पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 54% वोट मिले और वह 640 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ऑप्शन है इसका ए 5000, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 8000 और ऑप्शन डी 10000। तो देखिए, एक चुनाव में ये दो उम्मीदवार की बात कर रहा है, ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, ठीक है, तो देखते हैं हम उसको, ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूँ चुनाव, ठीक है, चुनाव में दो उम्मीदवार, एक पहला और एक दूसरा, ध्यान से समझिएगा इसको। अब ये कह रहा है कि जीतने वाले को 54% वोट मिले। देखिए, एक तो ये तो हो गया आपका जीतने वाला, और ये हो गया आपका हारने वाला, मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि जीतने वाले को 54% वोट मिले। आपको पता है जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले? 54। अब आपको पता है कि 100% होता है किसी भी चीज़ का, अगर हम वैल्यू उसका परसेंट निकालें तो वो अपने आप में 100% होती है, तो 100% वोट मिले होंगे, ठीक है, पड़े होंगे। तो जीतने वाले को जब 54% वोट मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%। आपको ये कैसे निकालना, देखिए 100 में से मैं 54 माइनस करूंगा तो 46 आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब है समझने वाली लाइन, कि वो कह रहा है कि वह 640 मतों से जीत गया। अगर वो कहता कि हारने वाले को इतने वोट मिले तो 40 के बराबर रखते उसको, परसेंट के बराबर। अगर वो कहता कि जीतने वाले को इतने मिले तो जीतने वाले के बराबर, लेकिन वो कह रहा है कि वह इतने मतों से जीत गया, मतलब जीतने वाले को 640 मत मिले हैं हारने वाले से अधिक, तो हम देखेंगे यहाँ कितना परसेंट अधिक मिला है। तो देखिए, जब हम परसेंट अधिक देखेंगे तो यहाँ कितना मिला है? 8% अधिक मिला है, ठीक है। और ये जो 8% है वो कितने के बराबर हो गया? 640 के, क्योंकि परसेंट में जो जीता है वो 8% से जीता है। देखिए 8% ही तो अधिक है इसका, लेकिन वोटों में संख्या कितनी अधिक है उसकी? 640। तो ये 8% कितने बराबर हो जाएगा? 640 के। आप कन्फ्यूज ना हो, बस इतना ध्यान रखना, जब हारने वाले को 40% मिले हैं, जीतने वाले को 54% मिले, लेकिन उसके कितने परसेंट अधिक हैं और यहाँ पर कितने प्रतिशत, कितने वोट अधिक हैं, तो वो 640 हो गया। प्रतिशत कितना अधिक है? 8। तो जो प्रतिशत है अधिक वाला वो उन वोटों के बराबर होगा। तो देखिए, जब इसका मैं डिवाइड दूंगा इसमें, तो 640 बटा 8 गुणा 100, ठीक है, तो 8 × 2 कितना होगा? 64। तो कितना आ गया? 80 × 100 कितना आ जाएगा आपका आंसर? 8000। आंसर यहीं लिख देता हूँ, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 8000, ठीक है। तो कुल जो मत पड़े थे वो आपके आगे 8000, लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि हारने वाले को कितने वोट मिले, तो इसका आप 40% निकाल सकते हैं, तो आसानी से हारने वाले के आ जाइए। इस प्रकार आप एक और क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज वाला है, तो दूसरे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले को 35% वोट मिले और जीतने वाले को 1300 वोट मिले, तो वो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? मतलब इसमें कह रहा है कि हारने वाले को 35% वोट मिले और जीतने वाले को 1300 मिले। तो देखिए, चुनाव तो उसी प्रकार से है, ठीक है, चुनाव में हमारे जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या कितनी है? दो ही यहाँ तक, ठीक है। अब वो कह रहा है एक हारने वाला और एक जीतने वाला, यहाँ हो गया हारने वाला और यहाँ हो गया आपका जीतने वाला, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हारने वाले को 35% वोट मिले, हारने वाले को कितना मिला? 35% वोट मिला। तो आपको पता है इस 35 को अगर मैं 100 में से माइनस कर लूँ तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 65, क्योंकि 100 में से 35 गया तो कितना बचा? 65। अब वो ये नहीं कह रहा कि वो इतने मतों से जीता है, तो हम इनका डिफरेंस देखते हैं। देखिए, वैसे इनका डिफरेंस कितना है? 30%, लेकिन हमें इस 30% की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि वो इतने मतों से जीता है, वो ये कह रहा है कि जो जीतने वाला है उसको 1300 मत प्राप्त हुए हैं, तो जीतने वाले का परसेंट कितना है? 65%। और उसको मत कितने प्राप्त हुए हैं? वो टोटल दे रखे हैं, तो कितने दे रखे हैं? 1300। तो 65% जो होगा आपका, वो 1300 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था, इस उस क्वेश्चन में उसको अधिक वोट मिले थे इसलिए अधिक परसेंट दिखा था कितना है, लेकिन वो कह रहा है कि जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले 65%, तो 65% वोट मिले और वो वोट कितने हैं 1300 हैं, ठीक है। तो इसका जब मैं डिवाइड दूंगा 1300 अपॉन हो जाएगा आपका 65 गुणा हो जाएगा 100, ठीक है। तो 65 से ये दो बार कटेगा और 20 गुणा 100 हो जाएगा आपका 2000, ठीक है, कितना हो जाएगा 2000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आपसे पूछ लेता है कि हारने वाले को कितने वोट मिले, तो आपको पता है जीतने वाले को 2000 मिले, जीतने वाले को 1300 मिले, टोटल मत कितने 2000, तो 2000 में जब 1300 माइनस कर दूंगा तो हारने वाले कितने आ जाएंगे 700, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इसी प्रकार से लैंग्वेज में देगा। अब एक क्वेश्चन वो कराता हूँ जिसमें कि 10% मत खराब हो जाते हैं, 10% मत दाता उन्होंने अपने मत नहीं दिए, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला है, ठीक है, और जीतने वाला उम्मीदवार 55% मत पाकर 2700 मतों से जीत गया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% मत नहीं डाला वो तो खराब माने गए आपके, या खराब हो गए ये समझ लीजिए, ठीक है, लेकिन जीतने वाला जो है वो 90% का 55% पाया है, ठीक है। तो आप देखिए चुनाव में अगर मैं बात करूं तो देखिए 100% होगी वोटें, 100% होगी, ध्यान से समझिएगा इसको, 100% होगी, 100% में से 10% क्या हो गए आपके मतदान नहीं दिया, तो कितना बचा 90%, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कितना होगा 10%, क्यों, देखिए ये तो मत नहीं दिया, ठीक है, और ये मत दिए गए, ठीक है, तो 100 हो गए, तो टोटल 90 और 10 कितने हो गए 100 हो गए। हम क्यों 100 ले रहे हैं साथ इसमें, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पूरा टोटल मतदान बताना है कि मतदाताओं की संख्या कितनी, जिसमें खराब भी जो नहीं दिए वो भी शामिल हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ हो गया आपका, इसको रेशियो में तोड़ सकता हूँ, तो यहाँ रेशियो हो गया 1, यहाँ हो गया 9 आपका, हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ 900 कर दो और यहाँ 100 कर दो, क्यों कर दो उसका रीज़न मैं बताऊँ, उसका रीज़न ये है कि जो मत पड़े हैं जो मत हमको मिले हैं उनका 55% मिला है जीतने वाले को, ठीक है, और वो 2700 मतों से जीत गए। तो आप देखिए इनका जो रेशियो बनना है वो तो 9 और 1 था, रेशियो कितना है 9 और 1 है, मतलब टोटल मत इतने हैं, ठीक है, जो पड़े हैं वो इतने 9। अब देखिए वो कह रहा है कि जीतने वाले को 55% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, क्लियर सी वाले 45%, और आपको पता है जब इसका मैं 55% निकालूंगा तो 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 45 और 495 हो जाएंगे, ठीक है। हारने वाले को जो मत मिले, हारने वाले की बात कर रहा हूँ, हारने वाले को कितने मिले 45%, तो इसका 45% कितना हो जाएगा 405, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो जीता है वो 2700 मतों से जीता है, ठीक है, तो आप देखिए ये कितने मतों से जीत रहा है, ये जो कैलकुलेशन बनाई है वो हमने बनाई है, अभी कितने मतों से जीत रहा है 90 से। अब जो 90 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा आपका 2700 के, क्योंकि कितने से जीत रहा है, वही वाली कैलकुलेशन, यहाँ तक आपको वही करना है, यहाँ तक हमने खराब वोटें निकाल दी और सही निकाल दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वही प्रोसेसिंग आ गई जो पहले और दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये 90 कितने के बराबर हो जाएगा आपका 27, ठीक है। तो जब मैं 2700 में भाग दूंगा 90 का, लेकिन एक बात ध्यान रखिए यहाँ परसेंट नहीं है, लेकिन मैं 100 का मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों करूँगा उसका रीजन देख लीजिए, उसका रीजन ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसका रीज़न ये बनता है कि देखिए हमने यहाँ 2 जीरो ली हैं, यहाँ पे 2 जीरो ली हैं, हम यहाँ की कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने 2 जीरो ली हैं, तो हमें भी यहाँ क्या लेनी पड़ेंगी 2 जीरो पढ़ानी पड़ेंगी, मतलब 100 लेना पड़ेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो 9 × 3 = 27, तो 30 गुणा कितना हो जाएगा ये आपका 100, 30 गुणा कितना हो जाएगा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 3000, ठीक है, कितना आ जाएगा 3000 आ गया आपका, ठीक है, देखिए 9 × 27 और ये आ गया आपका 3000। अब देखिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अब ठीक है,
आपको करना है कि आपको टोटल मत निकालने हैं। तो देखिए, जो पढ़े हैं वो मत आपसे पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि टोटल मत कितने पढ़े हैं, तो क्वेश्चन में टोटल मत पूछे गए। तो ये जो कैलकुलेशन आई है 3000 की, उसका गुणा इस 9 में कर दीजिए, ठीक है। तो 9 कितने हो जाएंगे आपके, 27000। कितने हो गए, 27000, और 3000 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, ये हो गए 27000 जो मत पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो कितने हो गए, 3000, और आपसे पूछा है टोटल मत बताइए, टोटल मत बताइए। तो आप देखिए, जो टोटल मत हो गए कि जो पढ़े हैं वो कितने हो गए, 27000, और जो नहीं पढ़े हैं वो कितने हो गए, 3000। तो टोटल आ गया आपका 30000। तो टोटल मतों की संख्या अगर आपसे पूछी है तो कितना आ गया, 30000। इस प्रकार से मैंने रेशियो तोड़कर इसलिए कराया है, लेकिन कभी आपसे पूछ ले इस प्रकार के क्वेश्चन में कि टोटल मत जो पड़े हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी कितनी है, 27000, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। और बाकी के जो रेलवे NTPC संबंधित GS है और मैथ के चैप्टर है, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, सो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद, इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ।